हमें तुमसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। कहां से मुंह काला करा के आई हो बेगम, बोलो। आप ही के तो है। उल्लू समझाए, एक की भी शक्ल नहीं मिलती है मुझसे। अबे ओ बोका चोदा, चिकन चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, ये बना के खा जाऊंगा तेरा। और ये क्या बात हुई कि तेरी शक्ल नहीं मिलती, मतलब तेरे बच्चे नहीं हुए? ऐसा तो मेरी शक्ल भी नहीं मिलती पेरेंट्स से, तो ऐसे तो ये लोग कह देंगे कि मेरे को मंदिर से उठा के लाए। जैसे आज मैंने कपड़े बदले ना, इस दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। दोस्त बदल जाता है, प्यार बदल जाता है। हाँ, वो प्यार जिसको तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, वो भी काट के जाएगा। पॉलिटिशियन बदल जाते हैं, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, यार सब कुछ बदलता है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती, वो है गांव की दीवारों पे गुप्त रोगी हर गुरुवार को मिले डॉक्टर इमरान। लिटरली गांव की हर एक दीवार पे लिखा होता है गुप्त रोगी शनिवार को मिले डॉक्टर खान, डॉक्टर इमरान। और उसके नीचे फिर बीमारियों की वैरायटी होती है। क्या आपका नुन्नू छोटा है? क्या आपका तोता उड़ता नहीं है? क्या आप अपने पिछवाड़े से हकते हैं? क्या मुकेश गुटका वाला आपकी गांड में गुटका थूक के गया था? अगर हाँ तो संपर्क करे डॉक्टर इमरान हर शनिवार। ये चीजें तो ना यार बदलने भी नहीं वाली, लेकिन आज अपन जो बात करेंगे ना, वो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं इंडियन टीवी के फनी मजेदार बुंड फाड़ एड्स के बारे में। चलो दिखाता हूँ। आचार खत्म। ओ माय गॉड, चीफ को बताते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री में और कुछ तो काम हुआ ही नहीं, और कुछ तो कांड हुआ ही नहीं। मतलब एक एस्ट्रोनॉट का अचार खत्म हुआ, ब्रेकिंग न्यूज पे चढ़ा दिया। खैर मजे की बात यह कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज है, बबलू आका एस्ट्रोनॉट की मम्मी ने देख ली। दे रही है दस्तक आपके दहलीज पर मेरा बबलू। अले ले ले, मम्मी कितनी परेशान हो गई है ना, उनके बेटे का अंतरिक्ष में अचार खत्म हो गया। खैर आंटी जी का उदास पर रामू काका से देखा नहीं गया, तो रामू काका ने सोचा मैं खुद अंतरिक्ष में जाके अचार देके आ जाता हूँ। अबे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो रामू काका। इस दूरबीन से आंटी जी ने अंतरिक्ष में देख लिया। शर्म करो, भगवान से डरो, भचड़ी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप, रामू काका ने 5 पंखों को उल्टा रख के उनकी हवा पे झूल के अंतरिक्ष की यात्रा कर ली। मतलब उन लोगों ने हवाई जहाज रॉकेट बनाने में इतना टाइम लगाया। ये वीडियो देखने के बाद वो लोग भी सोचेंगे कैसा फिर मारने का आएगा तू। नहीं, अगर तुम लोग सोच रहे हो ना कि ये एडी ऐसा है, नहीं और भी ऐसे हैं। देखो हाँ तो जमुर, ये दुनिया का सबसे अच्छा जादूगर कौन है? उस्ताद हम। क्या बात है, जमुरा मुखोला है, सही बोला है। इंडिया का सबसे अच्छा यूट्यूबर कौन है? अरे दीप भाई तुम। क्या बात है, मेरा दोस्त मुँह खोला है, सही बोला है। अबे साले माफ करना, मैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। अब अगला करतब दिखाएगा, आदमी तो कबूतर और कबूतर को आदमी बनाएगा, तो कौन आएगा? चमूरा बताएगा कि आएगा? नहीं 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 आएगा। ये हम जाओ ना, ये हम जाओ ना, जाओ ना, आइए बता बता ताली आ जा आदमी सामने, आप फेस टू फेस तो देखो, बच्चा बूढ़ा जवान आदमी औरत सब लोग देखो, ये आदमी को कैसे ये जादूगर कबूतर बनाएगा। आप इस जादूगर ने इन दोनों के वक्त, जिंदगी, जज्बात तीनों बदल के रख दिए। क्योंकि अब अगर कोई छोटू से पूछेगा, ए छोटू पापा क्या करते रहते रहे? पापा ना कबूतर है, ऐसे उड़ते हैं।
खैर ये एड था इंश्योरेंस कंपनी वालों का, मतलब वो लोग ये बताना चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके लिए वो लोग बीमारी बता सकते थे, एक्सीडेंट बता सकते थे, लेकिन उन लोगों ने सोचा इसको कबूतर बनाओ, उड़ा दो। अब कुछ एड ना बिल्कुल अलग होती है, जिसको देख के तुम लोगों को डांस करने का मन करता है। तो अगली वीडियो देख के तुम लोग ऐसे ऐसे गर्दन हिलाओगे। चलो देखते हैं। बेटा थोड़ा ओट्स तो खा ले ग्रेप्स के साथ। नो थैंक्स मॉम। पापा वो कॉलेज जाने के लिए स्पोर्ट्स बाइक लेनी थी, थोड़े और पैसे मिल जाते तो। व्हाट ना ना मुन्ना ना, पहले मास्क लेकर आ तू बेटा, अपनी ना चला तू बेटा, जितने पैसे दिए उसमें बाइक लेके आ तू बेटा। नो वे डैड। क्यों, मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल लेके दी थी पास होने पर, तुमने कौन से तीर चलाए? मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, बस पढ़ने में थोड़ा कच्चा हूँ, स्पोर्ट्स बाइक तो लेके रहूंगा, आपका ही बच्चा हूँ। भैया एक्स्ट्रा टेंशन चाहिए, अपना एक्स्ट्रा सामान निकाल के OLX पे। ए, 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 ये टोनी कक्कर वाला ऑटो ट्यून बंद कर, फेंक के मारूंगा। भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का भो। अब यार एड ना यार बहुत तरीके की होती है, जैसे म्यूजिक की, डांस की, स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स से याद आया, अगर तुम लोग स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हो ना, तो तुम्हारे लिए एक नंबर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है 1xbet। तुम लोग इसके अंदर वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल की प्रेडिक्शन लगा के बेट करके बहुत सारा पैसा अपने बैंक में जीत सकते हो। और अगर पिन कमेंट के प्रोमो कोड से जाते हो ना, तो तुमको 100 USD का बेनिफिट मिलेगा। तो जाओ अभी के अभी जाओ और मेरे इंस्टाग्राम ID ज्वाइन करो। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, अगली एड देख के तुम लोग समझ जाओगे। मैं आपको फोन कर रही हूँ, कोई देख रहा है मुझे। छी यार शर्म आती है मुझे, इतने सारे लोग देख रहे हो, लड़की भाग रही है, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए, शर्म आती है मेरे को उस डायरेक्टर पे जिसने एड लिखी है। मैं थोड़ा दिमाग लगा लिया कर, जहाँ पे भीड़ नहीं हो वहाँ पे शूट कर लिया करो। खैर लड़की के पीछे अभी भी गुंडे पड़े हुए हैं और लड़की बेचारी भाग रही है गुंडों से बच बच के। लड़की बहुत कोशिश करती है बचने की, लेकिन गुंडे पीछा नहीं छोड़ते और लड़की तीसरे माले पे चढ़ जाती है, लेकिन फिर बाद में गुंडे भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। प्लीज मुझे कुछ भी मत करो प्लीज। अब आ बा 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 कितना भगाएगी अम्मा। अरे तेरे को कुछ भी करने नहीं आए, वो तेरे हाथ में जो मोबाइल है वो कहां से लाए बोल के पूछने के वास्ते आए। ये फोन तो खुबा मोबाइल से ली। खुबा मोबाइल तेरी बहन। खैर ये सिर्फ एड्स में ही होता है, अगर असल जिंदगी में आपके पीछे कभी गुंडे लगे तो पुलिस को कांटेक्ट करो, पब्लिक वाली प्लेस पे जाके लोगों से मदद मांगो। तो यार आज के लिए बस इतना ही, अब वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। ये हमारी नई सीरीज है इंडियन टीवी एड्स, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे 7000 लाइक कर देना। एंड हाँ 5 मिनट क्लाट वाली पे तुम सब फर्स्ट आते हो, लेकिन इस एड वाली सीरीज पे तुम लोग सेकंड आओगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग कमेंट करेंगे सेकंड, स्पेलिंग गलत, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अपनी अगली वीडियो में, बाय।